नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद से ही उसकी पत्नी यानी कि ज़ैनब फातिमा ने अशरफ अहमद के आधे कारोबार यानी कि आधे गैंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। मतलब IS 227 की जिम्मेदारी अब ज़ैनब उठाती हैं और ज़ैनब ही चला रही हैं IS 227 अशरफ अहमद का एक गैंग है जिसका नाम है IS 227 और अब उसको ज़ैनब चला रही हैं। आपको बता दें कि ज़ैनब जो है वो अशरफ अहमद की पत्नी है और वो भी उस पुलिस की पकड़ से बाहर है। एक बार मीडिया कर्मियों के सामने आने के बाद से ही ज़ैनब फरार हैं। अतीक अहमद की पत्नी की अभी तक खोजबीन हो रही है, तो वहीं अशरफ अहमद की भी पत्नी अभी तक फरार है, पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन ऐसे में अब उनका लास्ट लोकेशन पकड़ में आया है जो कि दिल्ली का था। जी हाँ, आपको बता दें कि जो ज़ैनब है वो अपने भाई से यानी सद्दाम से मिलने के लिए दिल्ली के एक मॉल पहुंची जहां पर उनका लोकेशन ट्रैक हो गया और पुलिस वाले अब उनकी खोज में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि सद्दाम के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट है। सद्दाम के ऊपर 1,00,000 रुपये की इनामी राशि घोषित है। जो भी उसे पकड़ के लाएगा उसको 1,00,000 रुपये की इनाम दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही सद्दाम को इस बात की भनक लगी, वो सबसे पहले दिल्ली आए। दिल्ली से एक एजेंट के जरिए और उसने दुबई का टिकट करवाया, दुबई का वीज़ा लगवाया और वो दुबई भाग गया। दुबई जाने के बाद पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस ने दुबई में भी उसके लोकेशन का पता लगाया, वो कहाँ रहता है, किसके साथ रह रहा है, उसके दोस्तों के जरिए उसके लोकेशन का पता लगाया। और उसके बाद जैसे ही सद्दाम को इस बात की खबर लगी कि अब पुलिस उसके दुबई वाले लोकेशन को भी पता लगा चुकी है, तो उसके बाद तुरंत आनंद फानन में सद्दाम ने वहाँ से भी अपने टिकट करवा के दिल्ली वापस आ गया। दिल्ली आने के बाद उसने सबसे पहला कॉल किसी को किया तो अपनी बहन ज़ैनब को किया। व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए उसने अपनी बहन ज़ैनब से बात की और अपनी बहन ज़ैनब को उसने दिल्ली के एक मॉल में मिलने के लिए बुलाया जहां पर इनका लोकेशन ट्रैक हो गया है और अब पुलिस इनकी खोजबीन में वापस से जुट गई है। और अब CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है कि आखिर ये दोनों भाई बहन कहाँ पर थे और कैसे मिले हैं। और अब इनकी जो खोजबीन की जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से खोजबीन कर रही है, उसमें और भी ज़्यादा तेज़ी आ गई है क्योंकि अब सद्दाम भी दुबई से वापस लौट आया है और इसकी इनकी जो CCTV फुटेज है उसकी मदद से अब इन्हें दोबारा से खोजने का जो तरीका है उसमें बदलाव करके और भी ज़्यादा तेज़ी में पुलिस काम करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जब से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुई है उसके बाद से ही इन दोनों की ही पत्नियां फरार हैं। इन दोनों की पत्नियों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट है, यानी कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ और अशरफ अहमद की पत्नी ज़ैनब के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट है और अभी तक इनको पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस की पकड़ से अभी तक बाहर है। अब जानने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक पुलिस की पकड़ से बाहर रह पाती है। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।